हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही यूनिक सा पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। ये सभी में बनकर बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड। और बात करें इसके पैटर्न की, तो इसके जो स्टिचेस हैं वो 16 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, 2 फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है, ये टोटल 10 रॉ का डिज़ाइन है। और फ्रेंड, हमने यहाँ पर इसके गैप के लिए 2 फंदों की केबल डाली है। और ये जो हमारी मेन केबल है, ये 14 फंदों की है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गैप के लिए आप कोई और केबल भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए आपको फंदे उसी हिसाब से रखने होंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 36 फंदे लिए हैं, 32 फंदे 16 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और नीचे से बेस देने के लिए मैंने 2 रॉ इसकी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 फंदों की केबल इसे गैप देने के लिए बनाई है। अगर आप चाहें तो कोई और केबल इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बना लेंगे। ये हमारे गैप के फंदे हैं। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। एक फंदा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और 7 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, धागा पीछे ही रखेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और ये देखिए, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ये एक फंदा ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा 3 फंदों का एक फंदा हो गया है। फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करके जाली डालेंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये देखिए, इसमें हमने 2 फंदे इसके गैप के बनाए हैं। जो हमने आपको बताया था कि हमने 2 फंदों की केबल डाली है, ये 2 फंदे हमने गैप के लिए रखे हैं। और उसके बाद फिर जाली डाली, फिर 7 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर 3 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, फिर जाली डाली। जो हमने यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बनाया था, 2 फंदे हमारे यहाँ पर डिक्रीज हुए थे, हमने एक इस तरफ जाली डाली, एक इस तरफ जाली डाली, तो फिर से हमारे फंदे इक्वल हो गए हैं। फिर से देखिए, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे ही रखेंगे, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, एक फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करके जाली डालेंगे। अब लास्ट में 2 फंदे केबल के हैं, ये सीधे बनाएंगे, एस स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। रॉ फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड। एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, ये हमारे जो 2 फंदे हमने गैप के केबल के रखे हैं, ये दोनों तरफ हम सीधे ही बनाएंगे। ये देखिए, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, जाली वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा
हमने जो सीधी साइड में उल्टा बनाया था, उल्टी साइड में सीधा है, इसे सीधा ही बनाएंगे, फिर धागा आगे, फिर 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से धागा पीछे, 2 फंदे गैप के सीधे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, जाली वाला फंदा उल्टा, 1 2 3 4, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा पीछे, लास्ट में 2 फंदे सीधे, एस स्टिच उल्टा। अब देखिए रॉ थर्ड है राइट साइड, एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, 2 फंदे हमारे गैप के हैं, दोनों सीधे बनाएंगे, इनको दोनों तरफ हमने सीधा ही बनाना है, फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे। पहले हमने यहाँ पर 7 फंदे सीधे बनाए थे, अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, फिर देखिए फिर से 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, धागा पीछे ही रखेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, 1 फंदे को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए यहाँ पर पहले 3 फंदे सीधे थे, अब 4 फंदे सीधे हो गए हैं, 1 फंदा हमने जाली डाल के यहाँ पर इंक्रीज़ किया था, 2 3 4, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, स्टार्टिंग का ऐसी छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से आगे रिपीट करेंगे, ये देखिए इस पैटर्न में इस साइड के जो फंदे हैं ये हमारे डिक्रीज़ होते जाएंगे और इस साइड के फंदे इंक्रीज़ होते जाएंगे। फिर से देखिए 2 फंदे सीधे बना लेंगे, ये हमारे गैप के फंदे हैं, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, लास्ट के 2 फंदे सीधे बना लेंगे, एस स्टिच भी सीधा ही। रॉ थर्ड कंप्लीट हो गई है। अब देखिए रॉ फोर्थ है रॉन्ग साइड, फिर से इस रॉ में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी जो केबल के फंदे हैं दो, ये हर बार दोनों साइड सीधे ही बनेंगे, बाकी के फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे, 3 4 5 फंदे उल्टे, ये देखिए 1 फंदा सीधा सीधा बुनेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे गैप के फंदे, फिर 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे लास्ट में सीधे बना लेंगे, एस स्टिच उल्टा। रॉ फिफ्थ राइट साइड, एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, फिर देखिए 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा आगे करके जाली डालेंगे। देखिए स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे,
धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे जारी डालेंगे, लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे, एस स्टिच भी सीधा ही। ये देखिए फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे। रो 7 राइट साइड एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जारी डालेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा आगे चल डालेंगे। स्टार्टिंग का स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे चल डालेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा पीछे ही रखेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, 2 फंदों का एक फंदा, एक फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा आगे जारी डालेंगे, लास्ट के 2 फंदे सीधे, एस स्टिच भी सीधा ही। ये देखिए रो 7 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। ये देखिए 9th रो है राइट साइड एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, जारी डालेंगे, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, 2 फंदों का एक फंदा, ऊपर से एक फंदा ड्रॉप करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, धागा आगे जारी डालेंगे। स्टार्टिंग का स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से आगे रिपीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पहले इस साइड में हमारे 3 फंदे थे, अब इस साइड में 3 फंदे रह गए हैं, और इस साइड में पहले 7 फंदे थे, अब इस साइड में 7 फंदे हो गए हैं। फिर से देखिए 1 2 फंदे सीधे जारी डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, 2 फंदों का एक फंदा, एक फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 जारी डालेंगे और लास्ट के 2 फंदे सीधे, एस स्टिच भी सीधा ही। ये देखिए रो 9 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। ये देखिए हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप इसकी फर्स्ट रो से देख लीजिए कैसे करेंगे। एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर धागा आगे करके जारी डालेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे ही रखेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, 2 फंदों का एक फंदा, एक फंदा ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करके जारी डालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे जारी डालेंगे, 7 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, 2 फंदों का एक फंदा, एक फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, जारी डालेंगे
और लास्ट में दो फंदे सीधे बना लेंगे, एस स्टिच भी सीधा ही। ये देखिए फिर से हमारा डिज़ाइन फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है, और ऐसे ही बार बार इसकी 1 2 10 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड, और सभी प्रोजेक्ट में बनकर बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये दो फंदों की केबल डाली है, अगर आप चाहें तो कोई और केबल इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।